नमस्कार, सनातन टाइम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। दोस्तों, पूरा विश्व एक बार फिर जब कोरोना की आहट से डरा हुआ है और सभी देशों की सरकारें इसे लेकर गंभीरता से मंथन कर रही हैं और आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, ऐसे में भारत में एक और बीमारी अपना सर उठा रही है। इसकी गंभीरता और भी बढ़ जाती है क्योंकि ये छोटे बच्चों से संबंधित है और हम इसे बीते समय की बीमारी मान बैठे हैं। ये बीमारी है खसरा, जिसे मीजल्स या छोटी माता भी कहते हैं। नाम सुनने से शायद आप इसे हल्के में ले लें, लेकिन कहर ढाने में ये कोरोना से कम नहीं है। छींक, खांसी, स्पर्श आदि से इसका वायरस बहुत तेजी से फैलता है। लाल मुंह, बुखार, खांसी, पूरे शरीर पर लाल चकत्ते इसके प्रमुख लक्षण हैं और ये बीमारी जानलेवा भी है। आज हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोरोना के आड़ में निमोनिया और खसरा जैसी बीमारियों के फैलने की रफ्तार डराने वाली है। क्योंकि महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों में पिछले 2 माह के दौरान खसरा से संबंधित 10,000 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 40 बच्चों की मौत की खबर का आंकड़ा दिल दहला देने वाला है। ये इतना गंभीर इसलिए है क्योंकि वास्तविक आंकड़ों की संख्या इससे ज्यादा आंकी जा रही है। मसलन अकेले महाराष्ट्र में 3,000, झारखंड में 2,600, गुजरात, बिहार, केरल में भी दर्ज आंकड़ों की संख्या हजारों में है। वहीं इसके साथ जो झुग्गी झोपड़ियों में हैं, जो घर पर ही इलाज कर रहे हैं, अस्पताल तक नहीं पहुंच रहे हैं, उनके आंकड़े उपलब्ध ही नहीं है। स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि अब सर्वे की मांग उठने लगी है। यदि अब भी आप खसरे को हल्के में ले रहे हैं तो कुछ आंकड़े भी और देख लीजिए। खसरे से संक्रमित बच्चे पर इसके लक्षण उभरने में कई दिन लगते हैं और तब तक ये वायरस उस बच्चे समेत आसपास के वातावरण में भी फैल चुका होता है। खसरे से संक्रमित किसी भी बच्चे के ठीक होने के बाद भी खसरे का वायरस उसके शरीर में 7 साल तक जीवित रहता है और आजीवन कुपोषण की वजह तक बन जाता है। खसरे का एक और रूप है जिसे जर्मन खसरा या रूबेला कहते हैं और ये गर्भावस्था के दौरान होने वाला सबसे खतरनाक संक्रमण माना जाता है। इससे न केवल माँ व शिशु की जान जा सकती है बल्कि बच्चे को जीवन भर के लिए कुपोषित, अंधा, बहरा, अपाहिज, विक्षिप्त, मंद बुद्धि बना सकता है। यूनिसेफ के अनुसार भारत में हर साल 27 लाख बच्चे खसरे से संक्रमित होते हैं। वहीं जर्मन खसरे यानी कि रूबेला के गंभीर असर के साथ पैदा होने वाले बच्चों की संख्या 40,000 है। रिसर्चर्स का मानना है कि वापस लौटने के लिए खसरा हमेशा तैयार रहता है और यदि किसी देश के टीकाकरण अभियान में थोड़ी सी भी ढिलाई होती है तो सबसे पहले खसरा ही वापस आता है। इसलिए वैज्ञानिक इसको ट्रेशर अप स्ट्रेंथ कहते हैं, यानी किसी देश के टीकाकरण कार्यक्रम की मजबूती की नापने का पैमाना, और भारत में इसका उभरना हमारे टीकाकरण अभियान में आई कमी को ही दिखा रहा है। अब आखिर भारत की वैश्विक स्थिति खसरे पर क्या है, ये भी जान लीजिए। विश्व में मौजूद कुल खसरा वैक्सीन का 80% उत्पादन अकेले भारत में होता है और बच्चों में 95% तक खसरे से सुरक्षा प्रदान करने वाली वैक्सीन भारत में 37 वर्ष पहले से ही मौजूद है। इन सबके बावजूद खसरे के शिकार सबसे अधिक बच्चे भारत में ही हैं और प्रत्येक वर्ष भारत के 25 लाख बच्चे इस टीके की पहली डोज तक नहीं ले पाते हैं। खसरा घने शहरों के गरीब बस्तियों में सबसे अधिक फैल रहा है और अकेले महाराष्ट्र में संक्रमित बच्चों पर हुए अध्ययन में पता चला कि उनमें से 75% ने अपनी पहली डोज तक नहीं ली थी। तो आखिर इसका कारण है क्या, ये जान लेते हैं। जैसे खसरे को गंभीरता से न लेना, छोटी माता मानना, घर पर ही इलाज करना, टीके के प्रति जानकारी और जागरूकता की कमी, टीकाकरण अभियान का ढुलमुल रवैया, कोविड काल में बाहर निकलने पर प्रतिबंध, एक जगह से दूसरी जगह पलायन व कोविड संक्रमण का डर, ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर किया क्या जाए। जिस प्रकार कोरोना संकट में लोग संक्रमण के प्रति जागरूक किए गए, उन्हें ये बताया गया कि वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है, उसी प्रकार की जागरूकता व वैक्सीनेशन खसरा जैसी बीमारियों के लिए भी आवश्यक है। क्योंकि एक आशंका और मजबूत हो रही है कि जब खसरा आदि वापस आ सकते हैं तो पोलियो क्यों नहीं। ऐसे में इन बीमारियों से भारत को मुक्ति दिलाने के लिए सरकार और जनता दोनों को जागरूक होने की जरूरत।